तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। सो आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि जस्ट ये आप एक आरजीबी लाइट जो देख रहे हो रिमोट वगैरह से काम करता है, और इसमें दो एलईडी जो होते हैं। सो अभी मेरे पास एलईडी नहीं है क्योंकि मैं गाड़ी में ऑलरेडी लगा रखा हूँ। सो आज ही मॉडिफिकेशन होने वाला है अपने टियागो पे, और जस्ट मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि ये रिमोट से आपका लाइट कैसे काम करता है। सो वीडियो के साथ बने रहे और देखते रहें। सो गाइस, सबसे पहले हमें करना ये है कि जस्ट ये हुक जो देख रहे हो, इससे आपका गाड़ी का बोनेट ओपन हो जाता है। तो सबसे पहले हमें गाड़ी का जो आगे का बोनेट है उसे ओपन कर लेना है, और सिंपली जस्ट ओपन करने के बाद जितना भी वायरिंग वगैरह है मैं सब कुछ बताता हूँ। सो वायरिंग वगैरह का कोई इसमें फंडा है नहीं, जस्ट आपको प्लग एंड प्ले टाइप सा करना है। जो पहला नॉर्मल जो बल्ब होता है उसको जस्ट निकाल के आपको ये वाला बल्ब लगा देना है। तो जस्ट सबसे पहले आप जो क्लैंप होता है उसको पहले लगा लें, क्योंकि बोनेट आप पे ना गिर जाए और कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। सो आपको डिटेक्ट कैसे करना है कि कहाँ पे आपका बल्ब का जो सॉकेट है, तो सबसे पहले देखना है कि जस्ट हेडलाइट, हेडलाइट के पीछे आपको जस्ट जाना है, उसके पीछे आप देखोगे कि सॉकेट है। सो ये रहा एलईडी बल्ब जो कि मैं अभी इस गाड़ी में इंस्टॉल करने वाला हूँ। सो ये एक रिमोट के साथ आता है, और जस्ट दो एलईडी वगैरह होते हैं, और पीछे आप देख सकते हो क्या क्या लिखा हुआ है। सो एक आरजीबी लाइट है जो कि पूरा फंक्शन करता है रेड, ग्रीन और ब्लू पे। सो इसमें ऑन ऑफ वगैरह का ये सब फीचर्स वगैरह दिया हुआ है। सो जस्ट मैं अभी अनबॉक्स करता हूँ, अनबॉक्स करके इसे आपको दिखाता हूँ। सो जस्ट इस तरह से आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद एक आपको फ्लैप मिलेगा, जस्ट इस फ्लैप को हटा लेना है। फ्लैप हटाने के बाद आप देख सकते हो जस्ट इस तरह का आपको कुछ लाइट देखने को मिलेगा आपके हेडलाइट में। सो जस्ट ये आपका फ्लैप हो गया। जस्ट फ्लैप हटाने के बाद ये आपका रिमोट देखने को मिलता है, जस्ट रिमोट देख सकते हो आप, इस तरह का रिमोट देखने को मिलता है। और इसमें एक बैटरी लगा होता है जो कि आप, मैं अभी आपको दिखाता हूँ निकाल के। तो जस्ट इस तरह से पुल करने पे आपका बैटरी बाहर आ जाएगा, और सिंपली आप, मैं स्टार्टिंग में आप देखोगे कि इसमें एक प्लास्टिक का पनीर लगा होता है, जिसके कारण से बैटरी वगैरह ड्रेन नहीं होता है, कंपनी लगा के देती है, बट मैं यहाँ पे अभी निकाल के रखा हूँ। तो उस चीज़ को आपको करना है कि पहले निकाल लेना है, और जस्ट ये आपका रिमोट रहा, इससे आप पूरा चेंज वगैरह कर सकते हो। और ये दो एलईडी बल्ब हुए जिसके हेल्प से आपका गाड़ी का जो हेडलाइट का कलर है वो आपका चेंज होगा। तो ये आप देख सकते हो आरजीबी, ये पार्किंग बल्ब जिसे आप कह सकते हो। सो ये पर हुआ जो कि आपके रिमोट से वर्क करेगा। सो सीधा टाइम वेस्ट ना करते हैं, चलते हैं डायरेक्ट गाड़ी की तरफ। सो जस्ट मैंने आपको डिटेक्ट करना बता दिया कि कैसे आप अपने पार्किंग बल्ब के होल्डर को डिटेक्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले मेरा गाड़ी का, हर गाड़ी का अलग अलग पोजीशन होता है जहाँ पे पार्किंग बल्ब लगा होता है। सो आपको खुद से डिटेक्ट करना होगा कि कहाँ पे आपका पार्किंग बल्ब का होल्डर है। तो जस्ट ये मेरा जो पार्किंग बल्ब का हेडलाइट का जो होल्डर है, जस्ट मेन हाउसिंग जो है उसके नीचे होता है। तो आप देख सकते हो ऊपर में सबसे पहले आपको एक हैलोजन बल्ब देखने को मिलता है। सो इस हैलोजन बल्ब को मैं एलईडी से चेंज किया, उसका वीडियो भी आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, आप जाके चेक कर सकते हो। तो जस्ट उसके नीचे मेरा पार्किंग बल्ब है, तो मैं वहाँ पे जाके सबसे पहले कि ओपन ये जो फ्लैप है इसको जस्ट पुल करके ओपन करना है। सो हर गाड़ी में इसी तरह से ओपन होता है। तो जस्ट सबसे पहले आपको हेडलाइट मीन्स जो बल्ब है उसे ओपन कर लेना है, क्योंकि कोई डैमेज ना हो आप जब हाथ अंदर डाले तो। सो एक्सेस करने में या में भी आपको प्रॉब्लम ना होगा, और कोई चीज़ डैमेज नहीं होगी। तो सबसे पहले करना है कि जस्ट कनेक्शन वगैरह निकाल लेना है सबसे पहले, और जो भी बल्ब वगैरह है उसे हटा लेना है। सो जस्ट सबसे पहले मैं फ्लैप वगैरह हटा लेता हूँ और बल्ब वगैरह को बाहर निकाल लेता हूँ, उसके बाद जो भी है सो मैं उसके बाद प्रोसेस करूँगा। तो सबसे पहले मैंने देखा फ्लैप वगैरह हटा लिया, बल्ब भी निकाल लिया, और जस्ट इस तरह से आपको बल्ब निकालना है और निकाल के साइड में कर लेना, क्योंकि ये फूटे वगैरह ना। मैं वीडियो भी बना चुका हूँ कि कैसे बल्ब को रिप्लेस करते हैं, आप घर पे कैसे अपने फ्यूज बल्ब को निकाल के चेंज कर सकते हैं। सो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, आप जाके वहाँ पे से चेकआउट कर सकते हो। सो जस्ट मैंने ये बल्ब निकाल लिया, और जस्ट इसके नीचे आप देख सकते हो एक छोटा सा कपलर आपको देखने को मिलता है। सो जस्ट उस कपलर में करना ही है आपको कि जस्ट उस कपलर को रोटेट करना है थोड़ा सा, और पीछे की ओर खींच लेना है। सो ये आप कपलर देख रहे हो, दो वायर का कपलर होगा, आप डिटेक्ट कर लेना कि किस तरह का आपके गाड़ी में कपलर होता है। सो सिंपली जस्ट उसे रोटेट करना, रोटेट करने के बाद पीछे खींच लेना है। सो अभी मैं जस्ट आपको करके दिखाता हूँ कि कैसे आप अपने गाड़ी का जो पार्किंग बल्ब का कपलर होता है उसे कैसे निकालेंगे। तो जस्ट थोड़ा सा हल्का इधर की ओर देख रहे हो, आप प्रेशर में दे रहा हूँ, और हल्का सा आपको ट्विस्ट करना बल्ब, आप देखो मैं हल्का सा ट्विस्ट किया और बल्ब बाहर आ गया।
इस तरह से आपको बल्ब को बाहर निकाल लेना है। इजिली भी निकालें, ये कहीं गिर गिर ना जाए, और गिर गया तो फिर आपका निकलेगा भी नहीं। गाइस, अभी मैं अपने सिंगल हाथ से आपको ये चीज़ करके दिखा रहा हूँ, बट आप रिस्क मत लेना, आप दोनों हाथों से आप अपना यूज़ करना और दोनों हाथों से इस बल्ब को लगाना, क्योंकि फूटने वगैरह का चांस बना रहता है और आपके हाथ में ये चीज़ चुभ सकता है। सिंपली जस्ट इसे अनप्लग करना है, अनप्लग करने के बाद जस्ट इस बल्ब को पुश करके लगा लेना है। इस तरह से आपको बल्ब को पुश करके लगा लेना। पुश करने के बाद मैं जो भी ये लाइट कैसे वर्क करता है वो मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं हेडलाइट वगैरह ऑन नहीं करता हूँ, जस्ट रिमोट के हेल्प से आपको दिखाता हूँ चालू करके कि कैसे होता है। आप जानते हो टाटा के हर गाड़ी में आपको फॉलो में हेडलैम्प मिलता है देखने को। जस्ट उस तरह से मैं हेडलैम्प ऑन करता हूँ, जैसे ही ये पार्किंग बल्ब वगैरह जल जाता है। जस्ट आप देख सकते हो ये पार्किंग बल्ब जल चुका है, और इस तरह से मैं अपने पार्किंग बल्ब के कलर को चेंज कर सकता हूँ। अभी मैं आपको कुछ कलर वगैरह चेंज करके दिखाता हूँ जस्ट इस रिमोट से। सबसे पहले मैं पिंक कलर किया, तो आप देख सकते हो थोड़ा सा पिंक टाइप सा और हल्का हल्का ग्रीन लग रहा है, बट आप जब इसे हाउसिंग में लगाओगे तो पूरा कलर चेंज हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, अभी जस्ट ब्लू कलर करके दिखाता हूँ, और ये ब्लिंकर मोड वगैरह है जो कि आपका वर्क करता है। ये भी आप यूज कर सकते हो। जस्ट मैं आपको अभी ब्लू कलर करके दिखाता हूँ। ये रेड हो गया, ग्रीन हो गया, और ये आपका ब्लू कलर हुआ। देख सकते हो आप जस्ट इस तरह से वर्क करता है आपके गाड़ी में। आप जिस तरह से इसको हाउसिंग में लगाओगे उस तरह से ज़्यादा अच्छे तरीके से ये वर्क करेगा। आप ब्लिंकर मोड वगैरह ये सब देख सकते हो, पुलिस लाइट वगैरह ये सब जो आप लगाते हो उस तरह से ये भी वर्क करता है। कुछ शॉर्ट्स देख लो। जैसे हमने उस साइड का बल्ब लगाया उसी तरह से जस्ट इस साइड का भी बल्ब लगा लेना। आप देख सकते हो मैं बल्ब ऑलरेडी लगा चुका हूँ। सिंपली उसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला, जस्ट आपको ट्विस्ट करना है, ट्विस्ट करने के बाद बल्ब होल्डर लगाना है और चेंज कर लेना। इसी तरह से मैं अभी बल्ब लगा चुका हूँ, और जस्ट ये देख सकते हो ये भी बल्ब ग्लो कर चुका है। कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा, दोनों बल्ब कलर भी चेंज कर रहे हैं, जितना भी फंक्शन वगैरह था दिया हुआ रिमोट पे वो हर चीज़ काम कर रहा है परफेक्टली। कोई इंस्टॉलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, इजीली जस्ट प्लग एंड प्ले टाइप सा चीज़ है। सिंपली आप उस तरह से आप अपने इजीली वे में घर पे भी कर सकते हो, अलग से आपको कोई चीज़ का जरूरत नहीं पड़ेगा। जस्ट होल्डर में बल्ब प्लग करने के बाद जस्ट आपको इजीली वे में हेडलाइट के हाउसिंग में आपको इसे इंसर्ट कर लेना है। इंसर्ट करने के बाद जस्ट मैं आपको एक कुछ नाइट के शॉट्स वगैरह दिखा देता हूँ, जैसे इस तरह से आपका हेडलाइट वर्क करता है नाइट में। सो गाइज, ये देख सकते हो अभी इस तरह से आपका जो ब्लिंकर लाइट है वो जलेगा, और मैं जो भी मोड्स वगैरह है वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। जस्ट ये रहा आपका रिमोट, और इसमें ऑन ऑफ वगैरह ये सब का दिया हुआ है, तो थोड़ा सा जस्ट क्वालिटी से ही नहीं है जो भी आप कहो। जैसे कि मैं देखो ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है, तो एक ऑफ हुआ, एक दूसरे वाले को ऐसे ऑफ करना पड़ता है तब जाके ये ऑफ होता है, नहीं तो फिर एक वाले को ऑन करो, अभी ऑन भी नहीं हो रहा। एक ऑन इधर का किया, इधर का ऑन हो गया, जस्ट इधर का ऑन करो, ऐसे हो करके होता है। आप कलर वगैरह जो भी चेंज करना चाहते हो उस तरह से भी कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हो। जैसे कि मैं दोनों साइड रेड कर रहा हूँ, मैं रेड कर रहा, ये ऑरेंज टाइप सा हो गया, इधर भी देखो इस साइड ग्रीन टाइप सा, हाँ देखो दोनों एक कलर का हो गया। इस तरह से ये वर्क करता है। जस्ट मैं ब्लू कर रहा हूँ, ब्लू हो भी नहीं रहा, जस्ट मैं ब्लू कर रहा हूँ, दो रिमोट काम भी नहीं कर रहा। वर्किंग है बट उतना प्रॉपर नहीं है, आप एज ए फन के लिए आप यूज़ कर सकते हो, बट प्रॉपर ये उतना वर्क नहीं करता शायद तक। मुझे लगता है इसका बैटरी वगैरह कमज़ोर है, इस कारण से शायद तक प्रॉब्लम हो रहा होगा, बट आप देख लेना शायद तक आपके पास जो पीस है वो शायद तक सही मिले निकले। जस्ट यही था इस वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करें,
और अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि मैं इस तरह का वीडियो वगैरह लाते रहता हूँ। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें, और आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं इस तरह से मॉडिफिकेशन वीडियो अपने चैनल पर लाते रहता हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू सी माई नेक्स्ट वीडियो, एंड डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू द चैनल। टिल देन वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।